गुड मॉर्निंग गाइस, डे 90 और हम हैं अभी एक अजीब करीब नाम वाले गांव में और यहां पे ठंडी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मैं बहुत मुश्किल से वॉशरूम से आया हूं और अजितेश अभी तक सो के उठा नहीं है, इतना ठंडी है यहां पे। मुझे कोहरे निकल रहे हैं, मतलब सिक्किम जाने के बाद, गैंगटॉक जाने के बाद हमारा हालत ख़राब होने वाला है। शक्ल देख के लग रहा है ठंडी में कैसा हो गया है। तो अजितेश छोड़ दो, उठा देता हूँ ये। ओ मत कर भाई। कैसे लग रहे हैं? तो ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठंडा है भाई, तो ऐसा है हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। हाथ कपड़ा है मेरा, ये है पूड़ी, ये है सब्जी और ये है जितेश और ये है सौरभ। हम लोग ठंड में ब्रेकफास्ट करेंगे बिना मुंह धोए। कोई शौक नहीं है मुंह धोने का, ठीक है। पानी नहीं है, बर्फ़ पिघल के आ रही है, बर्फ समझ रहे हो किसको। तो अभी हम लोग बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे। बैकपैक ऑलमोस्ट रेडी है, बस मैट फोल्ड करना है, स्लीपिंग बैग फोल्ड करके डाल के निकलना है। इतना सा काम है, वो भी हो जाएगा 5 मिनट में। हम लोग खाते हैं, जल्दी से निकलते हैं, भैया आएंगे, देन हमसे मिलेंगे, हमसे मिलके फिर वो हमें सड़क तक, जो भी हाईवे तक सी ऑफ करेंगे, देन वहाँ से हम लोग निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। और आज हम लोग पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। आज हम लोग पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा होता है, आज के लोग कैसे मिलते हैं, आज का एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। तो बने रहिए बंजारस प्लेनेट में, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। गाइस, तो वी आर रेडी टू गो। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ऐसे था हमारा कुछ रूम और ये भाई हेलो बोल दो एक बारी। ये सुबह सुबह आया हमको जगाने के लिए, बताने के लिए कि भैया टाइम हो गया है, घर के निकल रहे हैं। अच्छा लड़का है, तब देखो लॉक कर दिया है तुरंत। तो निकल रहे दादा, चलो। तो ऐसा था, धूप निकल आई है, सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड थी भाई कि क्या ही बताऊं। दादा निकल रहे हैं, बाय। हैं दादा बोल रहे हैं हमको भी रिकॉर्डिंग करके चाहिए ना। ओके okay. निकल रहे हैं। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हैं कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग की तरफ से आप लोग का जिस काम में है उस काम का आप लोग का मिशन पूरा। अरे पूरा हो, आप लोग बधाई हो, आगे बढ़िए। और कुछ? बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। आगे से अच्छा और आशीर्वाद कुछ मिलेगा? नहीं, ये आशीर्वाद तो सबसे सर। रुके रुके रुके, फोटो खींचेंगे आपको। ठीक है सुनिए, किसी से अधिक धन मिलेगा? इस साल क्या बोल रहा है, जिस मिशन से आप लोग निकले हैं, भगवान करे कि आप लोग का मनोकामना पूर्ण, मिशन आप लोग का पूरा हो, आप लोग विकास करें, आगे बढ़े। हां बस ठीक है। तो ऐसा है, आशीर्वाद मिल गया हमको सुबह निकलते। अब सब अच्छा होगा। जय मेरे तरफ से आप लोग का। ठीक है, तो ऐसा था ये कुछ गांव, छोटा सा है पर अच्छा है यार, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमको अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ पे। इस रास्ते हम आए थे रात को, पीछे गए थे, अब इस रास्ते जा रहे हैं और भैया हमारा वेट कर रहे थे। हेलो भैया, भाई अपना भाई पापा से मिला है। सौरभ दाऊ हमारे संतरा छील रहे हैं भाई, मैं भी खाऊंगा। मुझे खिलाएगा ना भाई? नहीं भाई, मुझे खिलाएगा ना? देख रहे हो गाइस, ये कितना स्वार्थी हो गया है, चलते अकेले संतरा खाएगा बोलते हैं, गलत बात है। फाइनली मनाने के बाद अभी ये बोला था कि ठीक है तू व्लॉग बना, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तेरे को। ये प्रैंक कर दिया मेरे साथ भाई, खिलाना। एक हाथ से झोला पकड़ा हूँ, एक हाथ से फोन पकड़ा हूँ, तरस नहीं आ रहा तुझे? मेरे काम है हुआ। तो गाइस ऐसा है कि हम लोग वो जो रोड दिख रहा है ना सामने, उस रोड को छोड़ के आए हैं और मैप जो है ना वो ऐसा घूम के बता रहा है कि उधर से जाओ फिर घूम के आओ, बट नहीं, अजितेश शर्मा ऐसे हार नहीं मानते। फालतू का क्यों चलना है भाई, जब हम इधर से जा सकते हैं तो उधर से क्यों जाएं। गूगल भाई ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो आप, थोड़ा थोड़ा हमारा भी सुन लिया करो कभी, ठीक है। हम आपके रास्ते चलते हैं पर हमारी भी सुन लिया करो यार,
तो हम इस रास्ते जाएंगे, बुरा मत मानना, ठीक है। तो सौरभ निकल गए, आ गए, और हम लोग भाई साहब इस रास्ते जाएंगे। अबे सौरभ, ऊपर नहीं नीचे जाना है हमको, नीचे जा रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। और गूगल भाई वो वाला उधर वाला रास्ता बता रहा था, उधर वाला है ना, पर हम नहीं माने, हम इस रास्ते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो क्या चीज़ है? कॉफी चाहिए, क्या कॉफी? फूल गोभी। हाँ यार, दुकान लगाते हो क्या आगे? ना, लगाते हो? अपने ना, खाने के लिए लेके जा रहा। अच्छा, घर घर के लिए जा रहा। और हमारा लंच भी आ गया है, ये हाथ धो के भी आ गया, और मैं हाथ धो के आता हूँ, फिर खाने बैठते हैं। ये हमारा माइक, चलिए खाते हैं। और अभी हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, खाना वाना खाया, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ भैया, और हमको रैंडमली भैया मिले। भैया आइए ना, अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम धर्मेंद्र सरकार है, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मेरा घर सिलीगुड़ी में है। okay. अभी दादा लोग सिलीगुड़ी में पहुँच चुके हैं, तो अच्छा लगा इन लोग को देख के, बहुत थैंक यू। और इन्होंने, आपने कहाँ देखा था हमको? आप लोग को हमने देखा है फुलबाड़ी में। नहीं नहीं, मतलब वैसे तीन दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था, उसका बाद जो मेरे नसीब में मिला इन लोग को, ठीक है, बहुत अच्छा लगा इन लोग को, और इतना अच्छा लगा मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा। आप लोग जो भी देख रहे हो, भैया लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा गाइड कर दीजिए, कहाँ से कहाँ रास्ता है, नहीं है, इजीली बता दीजिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि तो थैंक यू सो मच। और अभी ये हुआ है कि हम खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे थे, भैया मिले और हम पे करने जा रहे थे, तो भैया ने बोला नहीं आज का हम पे करेंगे, तो भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलना होगा तो जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर, है ना। और सिलीगुड़ी में अपन एक दिन स्टे कर रहे हैं, ओके, ठीक तो है। अगर आपका सिलीगुड़ी आना होता है, ठीक, मैं तो सिलीगुड़ी में ही रहता हूँ एक्चुअली। हाँ। अगर बाय चांस आपका कांटेक्ट नंबर मैं रख दूंगा, अगर मेरा टाइम मिला तो आपसे भेज दूंगा। श्योर, डेफिनेटली। तो ऐसा है भाई, तो अब क्या ही बोलूं भैया, मिल गया तो हो गया, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब चलते हम लोग आगे के लिए, यहाँ से 17 किलोमीटर बचा है सिलीगुड़ी, तो अब चलते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े आदमी के साथ चल रहा हूँ। अभी ये बात कर रहा है पता किससे, देखें किससे बात कर रहा है, एमएलए, एमएलए। हाँ, देख रहे हो, मतलब ये छत्तीसगढ़ की एमएलए हैं जो हमारे इनके यहाँ की बलौदा बाजार की, उससे बातें चल रही हैं भाई। वो कुछ परमिशन से रिलेटेड, क्योंकि जगह जगह पूछा जाता है ना कि आप कहाँ से निकले, क्या है, क्या परमिशन है, उसके लिए तो बात करनी पड़ रही, तो वही थोड़ा सा लगा हुआ था। नंबर नंबर भाई के पास सब आ गया है जुगाड़ से, कांटेक्ट, अरे भैया के कांटेक्ट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एमएलए, विधायक, ये तो नेता, वो तो नेता, सही है, सही है, सही है गुरु। ये है रास्ता, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए, ये कुछ, और ये एक बार ऐसे हाय कर दो, टाटा बोल दो। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आउटर एरिया में है, थोड़ा बहुत न्यूज में। हाँ, तो ऐसा है गुरु, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चाय वाय पी लिए, सीधी टपरी बे चल, हो गया है हिसाब किताब। और ये अपने दोस्त से बतिया रहा है, कम से कम बहुत देर हो गया। अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है यार, अरे वाह, अरे वाह। हाँ, आपका फोटो, अरे आपको वीडियो में ले रहे हैं। और ये हमको दादा मिले हैं यहाँ पे, दादा बोल रहे हैं कि हमको ले लो। हेलो, ये माय नेम इज प्रियोलाल भौमिक। क्या? प्रियोलाल भौमिक, प्रियोलाल भौमिक। और ये जगह का नाम क्या है? रंगापाली, रंगापाड़ी, रंगापाली जगह का नाम है। ओके ओके ओके, तो दादा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको, थैंक यू, बाय बाय, चलते हम लोग यहाँ से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ये यहाँ पे, चलते हैं, चल बाबा। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग चाय पी के भी निकल गए, और यहाँ से सिलीगुड़ी बचा है 7 किलोमीटर, तो हम लोग को लग जाएगा करीब डेढ़ घंटा। और शाम भी हो गई है, जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही होती जा रही है, रात होती जा रही है, ठंड भी वैसी वैसी बढ़ती जा रही है। साइड में आ जाओ। और जहाँ पे हमको जाना है, मतलब हमारा डेस्टिनेशन जहाँ पॉइंट है, वहाँ जाने में अभी 7.6 किलोमीटर बचा है,
तो अब देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। सिलीगुड़ी एंटर करने में हमको 2-3 किलोमीटर पे एंटर कर जाएंगे, पर हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 7.6 किलोमीटर बचा है, तो फिर ना दो डेढ़ घंटे में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, नाप देंगे नाप देंगे नाप देंगे नाप देंगे रे। तो गाइस हुआ ऐसा है, हम लोग सिलीगुड़ी तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमको जिसके घर पे जाना है वो अभी ऑफिस में है और वो मीटिंग में है, तो आई डोंट नो उनको कितना समय और लगेगा। बट हम लोग अभी बैठे हुए हैं ये रोड के किनारे, उनका वेट कर रहे हैं कॉल का। हालांकि अभी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने बोला कि 1 से 1.5 घंटे में फ़ोन करेंगे, बट 1 घंटा 15 मिनट तो हो गया है, अभी तक तो कॉल नहीं आया। 15 मिनट और वेट करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। सो ऐसा है, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब देखते हैं। ठंड लग रही है, आई होप कि जल्दी से उनकी मीटिंग ख़त्म हो और वो जल्दी से कांटेक्ट करें हमको, और फिर हम रेस्ट करें जाके, क्योंकि थक गए हैं आज। तो अब देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा तो बताता हूँ। ओके गाइस, तो नाउ वी आर इन ऑफिस। ये कौन सा ऑफिस है? वेबल ऑफिस। और ये ईशान दादा के कांटेक्ट में उनके छोटे भाई ही लगे, तो ईशान दादा के छोटे भाई के ऑफिस में है वो, ये हमसे मिले हैं। और उनको अभी 1 घंटा लगेगा क्योंकि उनकी मीटिंग है, देन उसके बाद घर जाएंगे। तो ऐसा है, 1 घंटा हम लोग ऑफिस में बैठ के, देन फिर घर दिखाते हैं। बाकी अभी यहाँ 1 घंटा वेट करना पड़ेगा हमको। तो ऐसा है मामला, हम लोग बैठे हुए अभी, देन निकलते हैं। एक छोटा सा मीटिंग है यहाँ, यही थे। तो ठीक है, मीटिंग कर लेते हैं, देन फिर हम लोग निकलते हैं। बाय। जैसे कि यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए एक्स्ट्रा कि हाँ हम लोग ये मेंटेन करेंगे, ये चीज़ मेंटेन करेंगे, कोविड का मेंटेन करेंगे, हम लोग भी चलेंगे तो सोशल डिस्टेंस में चलेंगे, और ऐसे करेंगे वो समझ जाए। स्टेट छोटा है ना, तो लोग काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग सब ना कानून थोड़ा हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि स्टेट छोटा है जी, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी जन बोले थे कि हाँ चलो दे देते हैं, प्रॉब्लम नहीं। अगर स्टेट बड़ा रहता है तो कम्युनिटी में प्रॉब्लम होता है, स्टेट छोटा है तो प्रॉब्लम रहेगा नहीं, ठीक है। आग मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। दारू भी मिल जाता है वहाँ पे, हनी भी वगैरह गर्म करने के लिए बॉडी को मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। गर्म करने के मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वैसे मैगी मिल जाएगा, बहुत महंगा रहेगा मैगी, लेकिन ऐसे भी मिल जाएगा। मैगी बहुत टेस्टी बनाता है, नूबरा वैली हो गया, पैंगोंग लेक, ये छोटा वर्षन है पैंगोंग लेक, गुरुदोंग, ठीक है। यहाँ से कहीं ये उधर ग्लेशियर शुरू है, वो ग्लेशियर चाइना ये एक बॉर्डर है, ठीक है। इसके उस तरफ अगर आप करें जाए तो इसका मान्यता है कि एक राउंड एक राउंड होगा, तो यहाँ से एक राउंड 5 सीट क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल तरीके से आपको थोड़ा वो भी होता है कि क्या बोलते धार्मिक तरीके से ना, अच्छा भी रहता है। और वो लोग 15 मिनट वाला सीन याद रखिए, वो भूल मत जाइएगा, नेचर देख लेगा, चलो रुक जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये 15 मिनट वाला इशू होने वाला है, क्योंकि देख के हम लोग फैल जाते हैं थोड़ा। आपका लेक का ठीक है, एक बार आइएगा, पास बना दीजिएगा, एक बार में जो जो कवर करना है सब कवर करवा देंगे पास में, पास में हाँ सब। इधर का आप गुरुदुमर भी कर सकते हो, उधर छांगो नथुला पास जुलूक का भी आप कर सकते हो, प्रॉपर आपको पास मिल जाएगा। तो इसका लिमिट रहता होगा ना पास का, कि जैसे आज का बनवाया, आज पास बनवाया तो 10 दिन का लिमिट है, 15 दिन का लिमिट है, ऐसा नहीं होता। अच्छा ऐसा नहीं, अगर एक बार बन गया तो फिर घूम सकते हो, शायद ड्यूरेशन रहता होगा। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, एक अब बात कर लो उधर पे कि आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे रहने के लिए, मतलब कितना
कितना टाइम सिक्किम में रह रहे हो, मतलब पास बनने के बाद कितना दिन आपको रहना पड़ रहा है सिक्किम के अंदर में, एक बार बात कर लो। अगर आपको डेट वही है, शायद 21 डेज शायद ही देखें एक बार। प्लीज ब्लॉग में डालेंगे, मजा आ जाएगा। एक बार पहले ऑर्डर ले लेते, उसके बाद रात के बज गए हैं, रात के साढ़े ग्यारह बज रहे, साढ़े ग्यारह बोला, और हम लोग का डिनर, हम लोग का लंच है, बहुत टेस्टी है, बहुत चिकन रोटी खाते हैं। फिर बात करो यहाँ पे, अभी हमारा खाना कम पड़ गया था तो वापस से खाना है, अभी जोमेटो के हैं, धन्यवाद। एक तो रख दीजिए, खाएंगे फिर। फुल मजा आ रहा है, फुल अतलंगी हो रही है, पूरा चिल। सवाल यार, खाएंगे बिरयानी खाएंगे, चिकन बिरयानी दोबारा हो रहा है, दोबारा। सुबह का बज रहा है 3 और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और लेट्स गो, चलते हैं अब रूम, देन फिर मिलते हैं।